तो चलो हम ये अब डिस्कस करेंगे एरे। ठीक है, तो एरे समझने से पहले हम समझेंगे, तुमको ये पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। राइट, क्या होते हैं वेरिएबल्स? जिनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल। और जिनको हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं अपने हिसाब से। जिनको हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं अपने हिसाब से। सपोज मैं अभी एक एग्जांपल समझाता हूँ। राइट, मैं यहाँ पे इसका सिंपली ये कंसेप्ट यूज़ करके तुम बताता हूँ। समझो कि मैंने एक बोला कि एक इंटीजर ए वेरिएबल है मेरा। ठीक है, इंटीजर ए वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए में कोई इंटीजर की वैल्यू हम दे सकते हैं। दे सकते हैं, यानी एक ए वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर की वैल्यू। अब इसका मतलब अगर हम कंप्यूटर की दिमाग से हिसाब से सोचें तो एक मेमोरी लोकेशन डिमांड कर रहे हैं हम। कंप्यूटर में कहीं ना कहीं, राइट, एक स्पेस अलॉट होगी, राइट, जिसका नाम होगा ए, है ना। और ये स्पेस की कैपेसिटी कितनी होगी? 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, डिपेंड्स ऑन, राइट, डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप। अगर मैंने लिखा फ्लोट बी तो क्या होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, 4 बाइट का हो जाएगा, वो इसे डबल हो जाएगा, है ना। ये होगा बी, ये होगा 4 बाइट का, इस तरह से, राइट। तो ये क्या है, ए एक लोकेशन का नाम है, मेमोरी स्पेस का नाम हुआ ना, बी भी मेमोरी स्पेस का नाम हुआ। तो वेरिएबल क्या है? अगर ये वेरिएबल नहीं होगा तो क्या लोकेशन है कि नहीं? फिर भी लोकेशन तो फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। तो वेरिएबल को हम बोलेंगे क्या? देखो ये एक तरह से एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई वैल्यू डाल सकते हैं ना, है ना, कंटेनर में वैल्यू डाल सकते हैं ना खाली हम। ठीक है, ये वैल्यू डाल रहा हूँ, तो कंटेनर के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। अब ये लोकेशन ना हो तो वैल्यू फिर भी नहीं जाएगी क्या? जाएगी, जाएगी ना। तो अगर मैं बोलूँ कि वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, वही हुआ ना, अ नेम गिवन टू अ स्पेस ऑफ अ मेमोरी इज टर्म्ड एज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द वैल्यू ऑफ इट्स डेटा टाइप, राइट। तो ये होता है वेरिएबल। अब सोचो कि ये वेरिएबल आपने समझ में आया था, आपने इतने टाइम से करते आ रहे हो, ये सब क्लियर हुआ, अब इतना किए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज आई वांट 3 वेरिएबल्स, सो व्हाट आई डू, आई विल डिक्लेयर ए बी सी लाइक दिस। सो व्हाट इट मींस, इट विल डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स इन साइड कंप्यूटर मेमोरी विच विल नेम्ड एज ए बी सी। अच्छा, हो सकता है कि तीनों अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है कि तीनों एक साथ में भी हो, राइट, वी डोंट नो। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कहाँ जैसी उसको स्पेस मिलेगी वो 2-2 बाइट का, राइट, स्पेस अलॉट करेगा हमें और उसको नाम दे देगा ए बी और सी। ठीक है, तो इस वेरिएबल के साथ उसकी एड्रेस जुड़ी है, उसकी स्पेस जुड़ी है, उसकी वैल्यू जुड़ी है, राइट। अब ये 3 वेरिएबल हैं। अब मैं बोल रहा हूँ 3 की जगह मेरे को 30 वेरिएबल चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, विल आई डिक्लेयर इंटीजर n1 n2 n3 n... है ना। तो एक तरह से 30 वेरिएबल डिक्लेयर करना तो कितना बड़ा एक प्रोग्राम हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, हम लोग डिक्लेयर करते हैं एक एरे, राइट। उसको नाम दे देंगे इंटीजर n30 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर मेमोरी में मुझे 30 ब्लॉक एक साथ अलोकेट होंगे जिसका इंडेक्स 0 से 1 से 2 से चालू होगा और लास्ट जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 29। इस तरह से ये हमें 30 ब्लॉक्स जिसका नाम होगा n। अब ये क्या है, ये कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक मिलेंगे हमें। तो अब ये स्पेस और ये स्पेस फर्क क्या है, वो कहीं भी मिल सकते हैं हमको। और ये फर्क ये है कि दोनों की स्पेस सेम है। अब इसका नाम है n, लेकिन इसका नाम n इसका नहीं है, n तो पूरे का नाम है, n तो पूरे ब्लॉक का नाम हुआ। यहाँ एक ही ब्लॉक है, यहाँ बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, 30 ब्लॉक्स हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा n ऑफ 0। तो ना n ऑफ 0 पोजीशन। इसका क्या होगा? n ऑफ 1। इसका क्या होगा? n ऑफ 2 एंड सो ऑन। क्या होगा? n ऑफ डॉट 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 डॉट, लास्ट विल बी n ऑफ 29। तो टोटल कितने ब्लॉक हुए? ये 30। ये होता है एरे। एरे का मतलब मेमोरी इनसाइड अ कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल विद अ स्पेसिफाइड साइज गिवन हियर। इंडेक्स हमने जो दिया है 30, जो स्टार्ट होगा 0 से लेके 29 तक,
और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी वो तो अलग बात है, जो वैल्यू डालेंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये वैल्यू जो है वो अलग चीज होगी। तो अगर मैं पूछू एन ऑफ टू की वैल्यू क्या है तो दैट इज 45। अगर आपको पूछो ए की वैल्यू क्या है, अगर मैंने यहाँ लिखा हाँ 10, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू 10 है, और मैं पूछो एन ऑफ टू की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 45। तो एरे इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यू ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, एक तरह से वही वाला। अगर मुझे 30 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, मैं ऐसे डिक्लेयर करूँ, इसकी जगह क्या करूँगा, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, मेरा टाइम बचेगा। 30 वेरिएबल कौन डिक्लेयर करे, समझ में आया एरे क्या होता है। अब एरे जनरली टू डायमेंशन के होते हैं, आइदर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर यूं भी लिख सकता हूँ एन को इस तरह से कंटिन्यूसली, राइट, ये इस तरह से, ये समझ लो ये। तो ये क्या हुआ, एक तरह से रोज हो गए, ये एन है, ये जीरो रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये क्या है एन। अगर मैं यहाँ लिखूँ इंटीजर ए ऑफ 12, तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज माई ए एंड दिस आर द 12 ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो ये क्या हुआ, ये ए है और इसके ये सारे के सारे ब्लॉक्स हैं जिनकी एड्रेस है ये, इनकी वैल्यू अगर मैं वैल्यू असाइन करके करूँ, राइट, तो वैल्यू इस तरह से होती है इंटीजर ए ऑफ 12, राइट। अब मैं क्या लिखूँगा इज इक्वल टू, अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखूँगा क्या, जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, ये हो गए सारे के सारे, राइट, आपके स्टोर, राइट, ये हो गए 60, मैंने लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, ये वैल्यू इनिशियलाइज, तो इनमें क्या होगा, ये वैल्यू आएगी 5 इधर 10 इधर 15 इधर 20 25 30 35 40 45 50 55 60, ये इनकी वैल्यू हो गई। देखो ये इनिशियलाइजेशन हुआ, सेम लाइक दिस, ऐसे जैसे करते हैं इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, तो आप ए डिक्लेयर करते हो उसी में वैल्यू दे दे, तो इसमें वैल्यू आ गई। अगर आपने ये लिखा इंटीजर बी, तो उसमें वैल्यू कुछ नहीं लिखी है, तो क्या होगा, इंटीजर सी लिखा तो क्या होगा, सिर्फ स्पेस मिलेगी, उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन ए इज इक्वल टू 30 लिख दिया, तो ए उसके अंदर 30 वैल्यू स्टोर होगी, बी में कुछ नहीं, सी में कुछ नहीं। ऐसे ही मैंने ये पहले डिक्लेयर किया खाली, तो इसमें वैल्यू कुछ नहीं होती है, राइट, लेकिन अभी मैंने ये क्या किया, डिक्लेयर साथ में इनिशियलाइज भी किया। दिस इज व्हाट द एरे इनिशियलाइजेशन एंड एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। अब ये हम इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हम इसमें इनपुट कैसे ले सकते हैं, कि हम रन टाइम इनपुट लें, इनिशियलाइज नहीं, इनपुट में यहाँ बोलो भाई एंटर द वैल्यू फॉर दिस फर्स्ट वेरिएबल, राइट। अब ये समझ लो कि ये एक तरह से ये एक सब्जेक्ट है, कि ये मैथ सब्जेक्ट है और ये स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं, इनकी मार्क्स क्या है, ऐसे हो सकता है ना, राइट। हर एक चीज़ समझो कि किसी भी हम वैल्यू, भाई मेरे को ये मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं, साइंस के डालने हैं, या हाइट वेट डालना है, कुछ भी ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, 50 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर है, कितने भी हो सकते हैं ना, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, उनकी मार्क्स लेने, तो 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अभी क्या करेंगे, एक क्लास में 50 स्टूडेंट की मार्क्स लेने, तो 50 वेरिएबल, 50 वेरिएबल क्यों होंगे, एक ही होगा ना एरे, तो एरे क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए फ्लोट ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, फ्लोट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो क्या होगा, एक तरह से ये पूरा का पूरा, ये हमारा एक पूरा का पूरा कॉलम बन जाएगा, 50 रोस, समझे। अब 50, 100, 500 क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएबल एक ही डिक्लेयर होगा, तो एरे का फायदा क्या हुआ, टाइम सेव करता है, दूसरा वेरिएबल जो हम बार बार डिक्लेयर करते हैं वो बचेगा। अब इसमें हम कैसे इनपुट लेंगे वो भी हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं, ठीक है, एरे क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई डाउट है तो पूछ ले। बताओ। और इसमें अगर हमने 20 पहले ब्लैंक डिक्लेयर किया, फिर बाद में वैल्यू देंगे, तो वापस वो वहीं चला जाएगा, बी इज इक्वल टू हमने लिखा 50, ठीक है, तो बी के अंदर 50 वैल्यू जाएगी। अब बी तो लोकेशन है ना, कंप्यूटर को पता है ना कि बी कहाँ है, तो मैंने क्या बोला, बी में 50 डालो, तो उसने बी में 50 डाला, दिस इज जनरली अ सिंपल थिंग। और बोलो, और कुछ पक्का, चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ।